ले भाई ये गड्डी पकड़, तू ये गड्डी ले ले, हमको नहीं पता, जिम्मेदारी तुम्हारी है पूरी। 100 स्टूडियोज में जाओगे, 100 में से हो सकता है 90 आपको भगा देंगे, भाग यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे। वेल हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोड्यूसर चार्ज के ऊपर वीडियो बनाऊं कि नहीं, बहुत ही सारे लोगों ने कमेंट कर दिया कि इस पे तो वीडियो आनी चाहिए। तो ये रही वीडियो। तो कायदे से देखा जाए तो इसमें तीन टॉपिक्स बनते हैं, प्रोड्यूसर चार्ज, लर्निंग चार्ज और सेल्फ चार्ज। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोड्यूसर चार्ज और सेल्फ चार्ज के बारे में बात करेंगे, लर्निंग चार्ज के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो आपको सीखने में खर्चा देना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर आप कहीं से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा, तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो अगेन अपन लोग इस वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे कि ऑफलाइन लर्निंग में कितना खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स में बता देना जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा। तो अभी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर चार्ज की, कि प्रोड्यूसर्स कैसे चार्ज करते हैं, कैसे आपको ज़्यादा चार्ज से बचना है, कितना चार्ज होता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है इनके चार्ज का, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखो, आप किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाते हो तो आप 2 चीज़ों के लिए जाओगे, या तो आप मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए जाओगे या फिर आप प्रोडक्शन के लिए जाओगे। तो कुछ प्रोड्यूसर ऐसा होते हैं कि वो दोनों काम करते हैं, कि भाई प्रोडक्शन भी हम कर देंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग भी हम कर देंगे, ज़्यादातर के साथ ये होता है। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि आप प्रोडक्शन करवा लो, मिक्सिंग मास्टरिंग आपकी फ्री कर देंगे उसी में, ठीक है, उसमें अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अलग से मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए जाओगे तो ज़्यादातर फिर उसमें चार्ज तो लगना ही, सीधी सी बात है। अब प्रोसीड्यूर की बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपसे आपका जॉनरा पूछा जाएगा कि किस टाइप का सॉन्ग है, सीधी सी बात, आपको डिस्कस भी करनी पड़ेगी चीज़ें कि इस टाइप का सॉन्ग है, इस टाइप का म्यूज़िक चाहिए। तो आपसे रेफरेंस म्यूज़िक पूछा जाता है कि आप अपने सॉन्ग को किस नज़र से देखते हैं कि आपका सॉन्ग कैसा होना चाहिए। तो आप कोई भी रेफरेंस दे देते हैं कि कोई यूट्यूब का कोई सॉन्ग दिखा देते हैं कि देखो कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं चाहिए पर वाइब कुछ कुछ मिलनी चाहिए उस सॉन्ग से। और फिर बहुत सारे स्टूडियोज़ आजकल क्या करते हैं, एग्रीमेंट वाली प्रोसीड्यूर में काम करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी से प्रोडक्शन करवाते हैं तो एक रिस्क हमेशा आता है कि वट इफ़ के मुझे आपका म्यूज़िक पसंद नहीं आया तो क्या होगा। मेन दिक्कत तो ये है ना, चार्जेस की तो बात हम बाद में करेंगे कि पैसे कितने लोगे, कि वट इफ़ के मुझे आपका म्यूज़िक पसंद नहीं आया। तो बहुत सारे स्टूडियोज़ क्या करते हैं आज के टाइम में, वो आपसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं कि देखिए हम मैक्सिमम 3 ट्राई या 4 ट्राई देंगे म्यूज़िक को चेंज करने में, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो फिर आपको उनमें से ही कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, हम बार बार ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडियोज ऐसा नहीं भी करते हैं, कुछ रिफंड भी प्रोवाइड करवा देते हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आपकी 100% या कुछ परसेंटेज मनी हम आपको रिफंड कर देंगे। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम आगे चल के भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एग्रीमेंट। मैं पर्सनली थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ एग्रीमेंट के, क्योंकि इसमें क्लाइंट बंध जाता है कि अगर उसको पसंद नहीं आता, तीनों में से ही कोई पसंद नहीं आता है, उस प्रोड्यूसर का काम ही पसंद नहीं आता है, फिर भी उसे वो काम रखना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि पैसे तो वापस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम चार्ज की बात कर लेते हैं कि मिक्सिंग मास्टरिंग का क्या चार्ज हो सकता है मार्केट में, और प्रोडक्शन का क्या चार्ज हो सकता है। तो प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन के चार्जेस शुरू होते हैं आपके 5,000 से 5 करोड़ तक। आई नो, अब बहुत सारे लोग काफ़ी गालियां पड़ेंगे मुझे, ये क्या बकवास है, कौन लेता है 5 करोड़। यहाँ पर ग्रैमी विनर प्रोड्यूसर की बात हो रही है, और दरअसल वो इंसान प्रोड्यूसर नहीं, कंपोजर, प्रोड्यूसर, सिंगर सब है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ग्रैमी विनर है। तो और एक ही बार में एक नहीं, दो दो, तो बताना नीचे कमेंट्स में कि कौन है इंडियन ऐसा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो देखता हूँ कितने लोगों को पता है इंडस्ट्री के बारे में कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब बाय द वे चलो हाई लेवल की हम बात छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल अपने मार्केट लेवल की बात करते हैं। तो आपका नॉर्मल एक सॉन्ग आपका 15 से 30,000 में आपका रिकॉर्ड हो जाता है,
इस इतना ही आपका खर्चा आता है एक नॉर्मल। अगर आप थोड़े से और हाई एंड स्टूडियोज़ के पास जाते हो फिर आपके चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, 40,000, 60,000, 70, 1,00,000 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन के स्टूडियो का नाम कितना है, ठीक है। तो आप एक बजट अपना लेके चलें कि इतना मुझे अपने ऑडियो पे खर्च करना है, इतना वीडियो पे खर्च करना है। तो आपका बजट मान लेते हैं अगर 15,000 है तो आप उसी के हिसाब से स्टूडियोज़ को अप्रोच करेंगे, ना कि 1,00,000 वाले। जैसे कि देश गुरु टाइप के स्टूडियोज़ हो गए या फिर और भी पर्पलेज टाइप स्टूडियोज़ हो गए तो यार वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, आपकी बजट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो थोड़ा हाई एंड की तरफ में चले जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और यशराज स्टूडियोज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके तो अलग ही चार्जेस चलते हैं। और अगर मैं बात करूँ मिक्सिंग मास्टरिंग की, मैं इंडियन मिक्सिंग मास्टरिंग के इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, बाहर में तो और ज़्यादा चार्जेस लगते हैं इनके। फिलहाल इंडियन की मैं बात करूँ तो देखिए 1,000 रुपये से आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग शुरू हो जाती है। और 1,000 भी मैं क्या बोलूँ, 1,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है तो 500 रुपये में भी काम करके देता, क्योंकि यार कोई जानता वानता है नहीं, दो चार लोग थोड़ा बहुत काम करके देंगे, दो चार लोग जानेंगे कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है, तो इनिशियल स्टेज पर लोग सस्ते में अच्छा काम भी करके दे देते हैं। और आपकी ऊपर तक आपकी 1,00,000 रुपये तक भी चली जाती है मिक्सिंग मास्टरिंग प्राइस, ठीक है। तो एक डिसेंट सा म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपके 5,000 से 10,000 तक चार्ज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग के, आपको एक ठीक ठाक प्राइस में आपको एक मिक्सिंग मास्टरिंग मिल जाए। इससे कम में भी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा में भी मिल जाएगी, डिपेंड्स अपॉन कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं और उसका काम कैसा। आप पहले तो आप काम ही देखेंगे, प्राइस तो बाद की बात है। अगर उसका काम उसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो फिर उससे काम करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर उसका इंसान का काम अच्छा है तो भले ही उसे कोई नहीं जानता मार्केट में, अगर वो बहुत सही साउंड करवा देता आपके सॉन्ग को तो कोई दिक्कत नहीं यार, हमको बस चाहिए कि हमारा गाना अच्छा साउंड करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब प्राइसेस होते हैं मार्केट के, फिलहाल के तो जो प्राइसेस चल रहे हैं मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है कुछ टाइम में। और दूसरी हम बात करते हैं सेल्फ चार्जेस की। अगर आप प्रोडक्शन सीख रहे हैं और आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि मैं अपना स्टूडियो स्टार्ट करूँ, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं कि भाई देखो स्टूडियो का बजट नहीं है अपना, ठीक है। और यार देखो इससे पहले मैं एक बात और बताऊं इस टॉपिक पे आने के पहले, तो जो पिछला टॉपिक था प्रोड्यूसर चार्जेस पे, एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें कि अक्सर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स आपको तब भी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं कि उनकी क्वालिटी रद्दी है, बिल्कुल बहुत ही वाहियात क्वालिटी है, ना प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, ना मिक्सिंग मास्टरिंग क्वालिटी अच्छी है, पर वो आपको एक बड़ा शानदार स्टूडियो दिखा देते हैं कि देखिए हमारा स्टूडियो इतना बड़ा है, तो सोच के देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी होगी हमारी। ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली कुछ टाइम में भी, 1 साल हो गया होगा शायद उस वीडियो को, मैंने एक स्टूडियो टूर बनाया था, स्टूडियो फैबुलस था, बहुत बढ़िया स्टूडियो था, काफ़ी मोटा पैसा इन्वेस्ट किया था स्टूडियो वालों ने, बट क्वालिटी नहीं थी उन लोगों के पास, ठीक है। तो हमेशा बड़ा स्टूडियो देख के ये मत सोच लेना कि इनका रिजल्ट और क्वालिटी भी बड़ी ही होगी, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब बड़े और महंगे इक्विपमेंट से क्वालिटी नहीं आती भाई, ज्ञान से आती है। अगर उनके पास काम करने वाले अच्छे बंदे हैं तभी वो क्वालिटी दे पाएंगे। भाई ऊंची दुकान फीका पकवान वाली चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। अगर हाँ किसी इंसान का छोटा सेटअप है, चीप सेटअप है, और फिर भी वो अच्छी क्वालिटी निकाल के दे रहा है, तो मतलब ये देख लेना उस चीज़ इंसान का कि कम सेटअप पे इतनी अच्छी क्वालिटी निकाल के दे सकता है ये इंसान, तो महंगे सेटअप पे ये क्या ही तबाही मचा देगा, समझ रहे हो आप। तो हमेशा ऑब्जर्व करना कि बड़ी दुकान देख के हिसाब मत लगाना उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, और छोटी दुकान देख के ये हिसाब मत लगाना कि उसका प्रोडक्ट ख़राब होगा। और अब बात कर लेते हैं सेल्फ चार्ज वाली बातों की। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने लिए क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं, ठीक है, और अपने चार्जेस क्या क्या रखने हैं, और क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा, डोंट गो फॉर एग्रीमेंट सिस्टम। कभी मत करना फिलहाल इनिशियल स्टेज पर एग्रीमेंट सिस्टम, क्योंकि आप अगर एग्रीमेंट सिस्टम करोगे आप अपने क्लाइंट को बांध दोगे, इक्का दुक्का कोई भूला भटका आपके पास आएगा और आप उसको एग्रीमेंट में बांध दोगे, और अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आया तो वो तो आपको अपने चलो पैसे हार के चला गया आपसे, बट आपका नाम इतना ख़राब हो जाना है मार्केट में। और हाँ अगर आपका काम उसे पसंद नहीं आया और आपने उसके पैसे रिफंड कर दिए तो आपका नाम ख़राब नहीं करेगा, बोलेगा भाई कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है कि हमारी सोच नहीं मिली आपस में, पर कोई बात नहीं, बंदा अच्छा है, ऐसा नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं हुई कि मेरे पैसे मर जाएंगे, बंदे ने मेहनत की, पर कोई बात नहीं, रिजल्ट कई बार नहीं आता है,
तो आप खुद को इंप्रूव करेंगे, बंदा आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन ही करेगा, जैसे अमेजोन करता है। अमेजोन अपने कस्टमर पे फोकस करता है, उसका एक्सपीरियंस बेहतरीन होना चाहिए। तो आप कभी भी अपने क्लाइंट के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, उसे चीट नहीं करने की कोशिश करेंगे कि उसके पैसे खा लिए। काम अच्छा हुआ तो बंदा दिल से पैसे देगा, कुछ 150 ऊपर ही दे के चला जाएगा, नहीं तो आप उसके पैसे रिफंड भी कर सकते हो। रिफंड करोगे तो बहुत सही मार्केट बनेगी। पैसों का लालच मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग फ़ायदे भी उठाएंगे इस चीज़ के, मुझे पता है, मेरा एक साथ खुद ऐसा हो चुका है। अभी आगे चल के मैं अपने बारे में ही बात करूँगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और कुछ डिटेल्स में बातें और बताऊँगा। तो ध्यान रखना, एग्रीमेंट सिस्टम कभी मत करना कि हाँ डिसाइड कर लिया कि 3 ट्राई करूँगा उसके बाद पैसे मेरे हो गए। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपना जो काम है वो दिखाने के लिए पहले अपना काम तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके पास कुछ काम ही नहीं है और आप चल पड़े हो मार्केट में काम मांगने, कुछ तो सैंपल दिखाना पड़ेगा ना। तो खुद के सैंपल्स कुछ बनाने पड़ेंगे आपको, या फिर अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोडक्शन का उतना ज्ञान नहीं है, तो मुझे सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी आती है, तो अब मैं कहाँ से प्रोडक्शन का सामान लाऊँगा। देखो बहुत सारे साइट डेटा भी प्रोवाइड करवाती हैं मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, रॉ स्टेम्स प्रोवाइड करवा देती हैं। और अगर आपके पास कतई भी होती है ना भाई, मेरा चैनल उठा लो, राग ओरिजिनल चैनल है, वहाँ पर सारे सॉन्ग अपलोड किए हुए हैं, सभी सॉन्ग्स की रॉ FLP प्लस स्टेम्स अवेलेबल हैं। उन्हीं सॉन्ग को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से मिक्सिंग मास्टरिंग करके चेंजेस करके अपने चैनल पे अपलोड करो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट्स में नाम डालना चाहो तो डाल देना, अच्छा लगेगा दिल से, नहीं तो वो भी अपने ही दे देना कि भाई ये मेरा है सब कुछ, ठीक है, खुश हैप्पी, ठीक है। तो ये काम करना कि अपना मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए डेटा वहाँ से उठा सकते हो आप, पूरी परमिशन आपको, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कभी मना नहीं करता मैं किसी चीज़ को। तो आप वहाँ से अपना सैंपल उसको मिक्सिंग मास्टरिंग के तौर पे अपने चैनल पे अपलोड करके रखो, किसी को दिखाना हो कि देखो भैया ये मेरे पास आया था और ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, आप देख लो पसंद आए तो आप मुझे अपना काम दे सकते हो, ठीक है। अपने YouTube चैनल पे अपलोड करके रखो अपना सामान को, ताकि आपके पास दिखाने के लिए चीज़ें हों कि देखो ये मेरा रिजल्ट है, आपको अच्छा लगे तो काम करवा लो, ठीक है। और अगर आपने कुछ चीज़ें डाल दी हैं और फिर भी क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके कुछ ज़रिए बता देता हूँ मैं, क्लाइंट्स लाने के और ज़रिए। ये तो हो गया आपका सैंपल दिखाने का, अब क्लाइंट्स की बारी आती है। क्लाइंट्स लाने के पहली चीज़, आप अलग अलग स्टूडियोज़ को अप्रोच करें। बहुत सारे 100 स्टूडियोज़ में जाओगे, 100 में से हो सकता है 90 आपको भगा देंगे, भाग यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे, कहाँ काम मांगने आ गया, ठीक है, हो सकता है। कई बार शुरुआती दौर में नहीं आते हैं क्लाइंट्स आपके पास, बट कुछ स्टूडियोज़ ये होंगे आपका नंबर लेके रख लेंगे। आप उनको जाकर अप्रोच करो कि देखो भाई मिक्सिंग मास्टरिंग ये मेरे रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा काम आता है और कुछ चीप काम आता है कि बहुत सस्ता है और आप उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो अपना, आपके पास और प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वो मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए मुझे दे सकते हो, मैं मिक्सिंग मास्टरिंग करके दे दूंगा, आप जितना लेते हो उससे मैं आधे में करके दे दूंगा, आधा आप रख लेना आधा मैं रख लूँगा। तो ऐसे स्टूडियो से टाई अप करो, 100 में जाओगे, 100 में से कम 10 15 20 कुछ तो हाँ भरेंगे, हार नहीं मानने का, ठीक है, घर पे बैठे कुछ नहीं होने वाला। स्टूडियोज अप्रोच करो पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेसबुक एड, गूगल एड्स, इन चीज़ों की एड चलाओ कि आप अपनी एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हो इस बारे में कि क्या आप अपना सॉन्ग मिक्स मास्टर करवाना चाहते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करें, बहुत कम प्राइस पे अपना प्राइस लिख दो, इतने से प्राइस में आप अभी करवाएंगे, शुरू के शुरुआती कस्टमर्स के लिए हम इतना प्राइस देंगे, और ऐसे ऐसे करके कुछ अच्छी सी पिचिंग करो उस वीडियो में, और मतलब अच्छी पिच करो, पिच वो वाली नहीं होती, दो तरीके की पिच होती हैं, एक अप्रोच करना अपने कस्टमर को कि भाई देखो बात ऐसी है, ऐसे ऐसा काम करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इनकी फेसबुक YouTube की क्या होती है, टारगेटेड एड्स होती हैं, एकदम ही बंदे को जाके उसी को पकड़ेंगी जिसको उस काम की ज़रूरत होगी, जो उसके लिए ढूंढ रहा होगा कि हाँ मुझे मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी है, तो वो उस ही बंदे को जाके पकड़ेंगे, ना कि किसी और को। तो आपके लिए टारगेटिंग ऑडियंस मिल जाएगी कि हाँ जिसको काम करवाना वही इंसान आपकी ऐड देखेगा, उसी को ऐड दिखेगी और वही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो वहाँ से आपके पास काफ़ी हद तक पब्लिक आ सकती है। और YouTube से तो मे बी आ ही जाएगी, जहाँ पर अपने सैंपल्स अपलोड करेंगे और वहाँ पर अच्छे व्यूज़ आ गए, और डिस्क्रिप्शन में आप अपना डाल देना जो भी चीज़ें होंगी, एड्रेस वगैरह या फिर कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह, इंस्टाग्राम, जहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर सकें, लिख देना कि भैया कॉन्टैक्ट करो कुछ भी काम करवाना हो तो ये इससे आपकी चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। और हाँ एक चीज़ और बताऊँगा, अपनी वीडियोज़ में अपना कमेंट डाल के उसे पिन ज़रूर कर देना कि मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें, तो वो अक्सर लोग कमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको चीज़ें दिख जाती हैं, डिस्क्रिप्शन भी खोलना नहीं पड़ता उनको, तो वहाँ पर भी कर देना। अब बात कर लेते चार्जेस की, कि इसमें चार्जेस क्या रखने। पहले
चार्जेस लेने का तरीका बता दूं। चार्ज फुल और हाफ, आपकी मर्जी है, आप जैसे लेना चाहें ले सकते हैं कि पेमेंट फुल में लो या हाफ में लो, मर्जी आपकी है। पर एक चीज़ और बताऊंगा, हमेशा पेमेंट एडवांस में लो, ठीक है। अगर कोई एडवांस देने को तैयार नहीं है तो आपको, आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप एक काम करो, आप हाफ़ पे कर दो, मैं आपको हाफ़ ही सॉन्ग आपका रिव्यू के लिए भेज दूंगा मिक्स के बाद, अगर आपको मेरा मिक्स अच्छा लगता है तो आप क्या करना फिर बाकी पेमेंट भी मुझे कर देना। तो आप इस तरीके से करते हैं, अगर हाफ पेमेंट किए तो हाफ सॉन्ग भेज दो रिव्यू के लिए, फुल पेमेंट किए तो फुल सॉन्ग भेज दो रिव्यू के लिए। तो रिव्यू तो करना पड़ेगा ना उसको कि अच्छा मिक्स हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम रखा, एडवांस के बिना किसी के साथ काम मत करना, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए शुरुआती स्टेज पर। तो बहुत लोगों पे भरोसा कर चुका हूँ, बहुत पोपट कटवा चुका हूँ अपना, तो खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एडवांस में ही पेमेंट लेना वरना मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको काटने को तैयार बैठे हैं बाहर। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना। और एक वार्निंग और दूंगा, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ये बोलेंगे कि आप हमको सैम्पल्स बना के दिखा दो, कि आप एक काम करो, हम आपको काम दे देंगे, आप मुझे ना जो मैं आपको स्टैम्प्स भेज रहा हूँ ना उसका एक सैम्पल बना के दिखा दो। कभी भी किसी भी क्लाइंट को सैंपल बना के मत दिखाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको काम नहीं करवाना होता है, ठीक है। उनको बस क्या होता है, उन्होंने अपने वोकल्स वगैरह गा लिए होते हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक बनाया, उनको बस ये देखना होता है कि कौन सा प्रोड्यूसर मेरे गाने को कैसा साउंड करवा सकता है। उनको करना खुद ही होता है, बस उनको ट्राई देना होता है, बस देखना होता है कि कैसा कैसा कोई अच्छा साउंड करवा सकता है इसको, ठीक है। तो सैंपल्स में लोग अक्सर ज़्यादातर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको काम नहीं करवाना होता है आपसे, आपसे बस आपका सैंपल बना के देख लेंगे कि भाई हाँ भाई मेरी आवाज़ कैसी साउंड कर रही है अच्छे इंजीनियर के हाथों मिक्स होके। कभी भी किसी को सैंपल बना के नहीं दिखाना अनटिल द क्लाइंट इज़ वेरी बिग, के भैया बंदा टी सीरीज से आपको अप्रोच मिल रही है कि भाई सैंपल बना के दिखा दो, अगर आपको काम पसंद आया तो हम ज़रूर, क्योंकि देखो इतने बड़े लोग आपके साथ मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। उनको आपसे सैंपल बनवा के देखना होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है भी कि नहीं है, ठीक है। अक्सर बड़े लोग ऐसी चिंदी हरकतें नहीं करते, चिंदी लोग अक्सर ऐसी चिंदी हरकतें करते हैं। तो नॉर्मल क्लाइंट्स को कभी सैंपल प्रोवाइड मत करवाना, क्योंकि उनमें से हो सकता कुछ जेन्युइन हो, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपका पोपट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सैंपल्स तभी बोलना कि भैया एडवांस कर दो, सैंपल आपको तुरंत के तुरंत एक दिन के अंदर मैं भेज दूंगा कुछ ना कुछ, फिर मैं फर्दर काम करूँगा इस पर, ठीक है। तो सैंपल कभी मत बना के देना। अभी बात कर लेते हैं कि सेल्फ चार्जेस क्या होने चाहिए, बहुत जिस चीज़ के आप इंतज़ार कर रहे हो। देखिए सेल्फ चार्जेस की मैं अभी बताऊं, हर इंसान की वेरी करते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं, अब अपनी मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में, इस पर बात कर लेते हैं। आप शुरुआत में कर सकते हो मिक्सिंग मास्टरिंग चार्ज आप 500 रख सकते हो, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, बिल्कुल ही जब आपको, आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, आपने कुछ सैंपल्स रेडी करके रखे हुए हैं और आप 500 कर सकते हो। खाली बैठे हो, 500 रुपये पर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट कर दिए तो आप हिसाब लगा लो 5000 रुपये हो गए। तो खाली बैठे 5000 आपको मिल रहे हैं, और ये काम आपको, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट्स इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन लगते हैं। हाँ स्टैम्प्स बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपके 3 या 4 दिन लग जाए, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हाई एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है, तो उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा टाइम लग सकता है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता किसी प्रोजेक्ट में, 2 या 3 दिन मैक्स लगते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि क्लाइंट ने अपनी रॉ डेटा कैसा भेजा है, अच्छा ने भेजा है नहीं भेजा, ठीक है। तो याद रखना 500 रुपये भी बहुत हैं अगर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप हर ईयर अपना प्राइस बढ़ा सकते हो, और हर ईयर प्राइस बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरे साल कुछ काम ही नहीं आ रहा और आप प्राइस ही बढ़ाते चले जा रहे हो। हर ईयर आपके पास कम से कम 60 से 70 या फिर कम से कम 100 प्रोजेक्ट आपको हर साल निपटा देने होते हैं, कम से कम एक साल में 100 प्रोजेक्ट आपको करने हैं, हर 100 प्रोजेक्ट पे एक प्राइस बढ़ाना होता है आपको। आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने तो अपना यही किया था कि मुझे हर 100 प्रोजेक्ट पे मैंने अपना प्राइस इंक्रीज़ किया था, तो आप अपने हिसाब से अपना 50 प्रोजेक्ट का टारगेट कर सकते हो कि भाई 50 प्रोजेक्ट कर लिए, 20-30 प्रोजेक्ट कर लिए, अब एक्सपीरियंस हो गया तो थोड़ा सा प्राइस अप कर देता हूँ, 500 गया 700 कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, इस हिसाब से आप अप कर सकते हो अपने प्राइस को, अपने प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के हिसाब से कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर लिया है, ठीक है। और मेरी जो सेंचुरी होती थी वो ऐसी ही नहीं थी, वो मिक्स सेंचुरी थी, सिर्फ मिक्स मास्टरिंग नहीं, उसमें प्रोडक्शन भी मिक्स है और उसमें मिक्स मास्टरिंग भी मिक्स है, तो बहुत सारे सॉन्ग ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना प्राइस बढ़ाया था। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ मैं क्या चीज़ें करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, मेरी क्या चीज़ें होती हैं, जो जो टर्म्स मैं अप्लाई करता हूँ खुद पे, मेरी टर्म्स होती हैं। देखो सबसे पहले तो क्लाइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ, किस किस तरीके के क्लाइंट आ जाते हैं कई बार।
कई बार ऐसे आते हैं यार बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करने वाले, इतने ज़्यादा बार्गेन कर देते हैं बंदे को खुद ही शर्म आ जाती है कि यार इस मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा बार्गेन कर देते हैं वो लोग कि क्या बताऊँ, बस कर कई बार करना पड़ता है प्राइस डाउन। बट सीरियसली नहीं तो मैं बार्गेन कभी करने को पसंद नहीं करता हूँ, प्राइस मेरा फिक्स ही रहता है क्योंकि मेहनत करनी होती है मुझे। और जब आप किसी की मेहनत का कम प्राइस लगाते हो तो वो भी इंसान दिल से काम नहीं करता आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है? तो उनके लोगों पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा दिल से काम किया भी नहीं जाता क्योंकि वो इतना ज़्यादा बार्गेन कर लेते हैं कई बार। तो बट मेरा होता है कि मैं अपने हर एक क्लाइंट पे दिल से ही काम करूं। और दूसरा, अब बात करते हैं कि भाई कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि एकदम ही झट, जैसे कि ले भाई ये गड्डी पकड़, तू ये गड्डी ले ले, हमको नहीं पता, जिम्मेदारी तुम्हारी है पूरी, हम चाहते हैं बस हमारा गाना अच्छा साउंड करे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है? गाना मज़ेदार होना चाहिए, फुल छूट है, पूरी छूट मिलती है काम करने में, कोई बर्डन नहीं होता कि भाई ऐसा करो वैसा करो, भाई बस एट द एंड जाके अच्छा साउंड करना चाहिए। और कुछ लोगों के इंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, रो डेटा दिया है कौन से 500 रुपये वाले माइक से रिकॉर्ड करके, और उनको रिजल्ट चाहिए होता है कि एकदम ही 1 लाख रुपये वाले माइक वाला। तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, उनको भी हैंडल करना पड़ता है और सबको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। आप किसी के साथ रूड बिहेवियर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप भले ही वो क्लाइंट आपको कितने 100 रुपये दे रहा है चाहे प्रोजेक्ट के बदले, पर वो आपसे आपका एक्सपेंसिव नाम ले रहा है कि मैंने उस इंसान से काम करवाया। अगर आप किसी से रूडली बात करोगे तो वो आपका नाम खराब कर सकता है। तो किसी से भी रूडली बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत प्यार से बात करनी है जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे को फिक्र होती है अपने नाम की क्योंकि कहीं मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई क्लाइंट जाके बोले कि मैं रेड ब्लड प्रोडक्शन वाले बंदे के पास गया था और उसने इतना ज़्यादा रूडली बिहेव किया मुझसे और इतना मेरा बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, काम ख़राब करके दे दिया। नहीं भाई, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, पैसे वापस ले लो प्लीज़। स्वभाव नहीं बिगाड़ना किसी के साथ, स्वभाव बना के रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर हम काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरा टैलेंट थोड़ा कम रह गया हो, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको अपना अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो आप हर किसी के साथ स्वभाव बना के रखें जैसे मैं बना के रखता हूँ। और चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, शुरुआत सच बताऊँ मैंने 1000 रुपये लेता था मैं एक सॉन्ग बनाने के, जब मैंने शुरुआत की थी। मिक्सिंग मास्टरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस टाइम तो मैं मिक्सिंग मास्टरिंग करता भी नहीं था, मैं एक सॉन्ग बनाने के 1000 रुपये लेता था। तो 1000 रुपये में मैंने लोगों के सॉन्ग बना के दिए हैं, उनका म्यूज़िक करके दिया है, और कई बार तो ये होता है वो 1000 भी रिफंड करने पड़ गए, पर कोई बात नहीं, कर दिया क्योंकि मुझे एक नाम सेटअप करना था कि भैया बंदा काम करता है, काम नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं फंसेंगे कभी भी, ठीक है? तो उस टाइम भी मैंने रिफ़ंड दिए हैं। और दूसरी बात, मेरी रिफ़ंड की नहीं है, और ये होता है कि 100 में से कुछ इक्का दुक्का ही क्लाइंट निकलता है, पहले तो हो सकता है 100 में से 5-10 भी निकल जाते थे, पर फिलहाल अभी का टाइम पे 100 में से इक्का दुक्का क्लाइंट निकलता है जिसका रिफंड करना पड़ता है। मे बी उसकी कुछ प्रॉब्लम होती हैं या उसको काम बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज़्यादा होती हैं कि बिल्कुल हाई लेवल, क्योंकि डेटा इस हाई क्वालिटी का प्रोवाइड किया नहीं, एक्सपेक्टेशन रख ली इतनी ज़्यादा, तो मैं चाह के भी उसको नहीं मैच कर पाऊंगा। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन हाई रखते हो तो आपको डेटा भी हाई लेवल का ही प्रोवाइड करना पड़ता है। हाई लेवल का सिंगर होना चाहिए, क्लासिकल ट्रेंड होना चाहिए, म्यूज़िक लाइव होना चाहिए, फुली प्रोग्राम्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप हाई इंडस्ट्री लेवल की चीज़ लेते हो तो। ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री लेवल का डेटा नहीं दोगे और उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन रखोगे बहुत ज़्यादा हाई, तो ये बात होती है, ठीक है? तो और अब फिलहाल का मेरा प्राइस चल रहा है, और शुरू में जब मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग शुरू की थी उस टाइम मैंने प्राइस रखा था करीबन मेरे ख्याल से 400-500 रुपये मेरा प्राइस था, सेम जो मैंने बताया इतना ही प्राइस पे मैंने काम शुरू किया था। फिलहाल मैं 2000 से 5000 तक मैं चार्ज करता हूँ एक सॉन्ग का मिक्सिंग मास्टरिंग। डिपेंड्स अपॉन के सॉन्ग, क्लाइंट कोई बाहर का बंदा है तो उससे हो सकता है मैं 5000-6000 चार्ज कर लूँ कि भाई जो मतलब मेरे चैनल के थ्रू नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है? जो चैनल के थ्रू आता है उससे मैं थोड़ा सा कम भी चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि फिर वही बात आती है अपनी मार्केटिंग वाली बात आती है कि वहाँ के लोग जानते हैं, ठीक है? उनसे एक बॉन्ड होता है तो उनसे मैं कम चार्ज कर लेता हूँ अभी के हिसाब से। और कई बार प्राइस फ्लक्चुएट करता है कि आपके क्लाइंट की स्टैम्प्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपकी हालत ख़राब हो जानी है मिक्स करते करते,
तो उस सिचुएशन में मैं ज़्यादा चार्ज कर लेता हूँ, कई बार 6,000 तक भी मामला चला जाता है कि भाई 100-150 स्टैम्प्स हो गई, इसमें एकदम ही हालत पतली हो जानी है मिक्स करते करते। तो उस सिचुएशन में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी वो मना कर सकता कि नहीं पसंद नहीं आया, मेहनत के बावजूद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस सिचुएशन में प्राइस बढ़ जाता है। और प्राइस उस सिचुएशन में ही बढ़ाता हूँ कि भाई किसी को, मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और किसी को अर्जेंट चाहिए कि भैया आज के आज ही मिक्स करके दो, चाहे पूरी रात काम करो, मुझे बस फ़र्क नहीं है, मुझे कल गाना रिलीज़ करना आज ही चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कोई जिसका काम अभी 2 दिन बाद देना करके उसका स्किप करके थोड़ा सा उस क्लाइंट का काम बीच में लाया जा सकता है, क्योंकि फिर उससे चार्ज भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जाएगा, कुछ 1,000-1,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे उससे, फिर उस हिसाब से फिर उसका करंट में काम करके दिया जाएगा, उस पर फिर पूरी रात मेहनत होगी। तो इस तरीके से भी आप अपने शेड्यूल को डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे कैसे क्लाइंट्स को कैसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो मैंने सारा प्रोसीड्यूल आपको समझा दिया कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम होने वाली हैं कमर्शियल में, और आप अपने सेल्फ में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है इस चीज़ में कि भाई मैं अपना स्टूडियो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, क्लाइंट्स मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम है भाई का, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करो, सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे अक्सर लाइव वीडियोस होती रहती हैं, तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।